दोबारा बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने मिशन बंगाल शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र बोस बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में चंद्र बोस को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। हावड़ा की रैली में मंच पर अमित शाह ने चंद्र बोस को भाजपा का झंडा थमाया और इससे पहले चंद्र बोस ने सुबह बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की थी और तभी ये माना जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंद्र बोस ने कहा है कि वो जल्द ही बताएंगे कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला आखिर क्यों किया। और इसी बीच दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह किसी पब्लिक रैली में पहली बार बोलते हुए नजर आए। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की उपलब्धियां गिनाते हुए ममता सरकार पर करारा हमला किया। अमित शाह ने लोगों से बीजेपी का साथ देने की अपील भी की। वो बंगाल के सारे उद्योग बंद है, सिर्फ एक उद्योग चालू रहेगा, चिट फंड से गरीबों को छलने का उद्देश्य, एक ही उद्देश्य, एक ही उद्योग चालू रहेगा। सारे उद्योग बंद है, चाय बागान बंद है, मोटर बनाने का कारखाना बंद है, सारे कारखाने बंद हो गए, सिर्फ चिट फंड के उद्योग को ममता जी आपने चालू रखा। परिवर्तन की आप बात करते हैं, हर मोर्चे पर चाहे कृषि विकास दर हो, चाहे बिजली की खपत हो, चाहे औद्योगिक विकास दर हो, चाहे रोजगारी की बात हो, हर मोर्चे पर दीदी आप विफल गई। मालदा की घटना, इतनी बड़ी घटना, पूरा देश चिंतित है और ममता जी कहती हैं कि बीएसएफ और उनके बीच में कोई झगड़ा हो गया। ममता जी, बीएसएफ और उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं हो गया, पश्चिम बंगाल की पुलिस सुरक्षा देने में विफल हो गई है, तभी जाकर थाने जलाने का काम होता है। खौफ नहीं लग रहा आपकी वोट बैंक की राजनीति के कारण पूरा पुलिस का मॉरल जमीन के अंदर चल गया है।